नमस्कार दोस्तों, साइंस एंड डेप्थ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप वीडियो फाइल को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर के सर्च में आपको डालना होगा अलव PDF। PDF लिखने के बाद सर्वप्रथम आपको इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। अलव PDF को डाउनलोड करना है, चाहे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं या फिर आपको फाइल में जाना है जहाँ पर आपके PDF स्टोर है, जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाली जो कि स्कूल की ओर से आती है बच्चों के लिए, जिसे एडिट करना होता है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे, आई लव PDF का जो आइकॉन देखने को मिलेंगे, ये दोनों आइकॉन शुरू के आई लव PDF के ही हैं। आपको एग्जीक्यूट टूल्स की को ना जाकर आपको राइट और एडिट PDF पर जाना है, यानी दूसरे नंबर के आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी PDF फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर इस PDF को मैंने पहले से ही एडिट कर रखा है ताकि आपको बता सकूँ। जैसे कि यहाँ पर चूज़ हेल्दी इफ़ द पिक्चर शो हेल्दी फूड, चूज़ अनहेल्दी इफ़ द पिक्चर शो अनहेल्दी फूड। यहाँ पर आपको टाइप करना है हेल्दी हेल्दी, जैसे एग हेल्दी होता है, अंगूर हेल्दी होता है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं लेट्स गेस वॉट आई प्रोड्यूस, यानी कि गाय क्या प्रोड्यूस करती है। मिल्क करती है, हनी जो है मधुमक्खी प्रोड्यूस करती है, तो हमने लाइन बना दी। और कॉक मतलब चिकन जो है अंडे प्रोड्यूस करती है। अभी ये किस तरह से किया है हम इसको समझेंगे। अब ये वाले पेज को मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको बता सकूँ। इस वाले पेज पर आप देख सकते हैं कैरेट यानी गाजर। गाजर यहाँ पर लिखा है हेल्दी फूड, चूज़ द फूड डेट आर हेल्दी। हमें चूज़ करना है कि जो फूड हेल्दी है, जैसे गाजर हेल्दी होती है। तो हम यहाँ पर आपको ऊपर जो है वर्कशीट ऑफ लिखा हुआ है, उसके बगल में सर्च का आइकॉन बना हुआ है, उसके अंदर उसके बगल में पेंसिल का आइकॉन बना है। हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे। पेंसिल पर क्लिक करते ही हमारे साथ एडिट करने के लिए तीन तरह के ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है AT और पेन। ऊपर के राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो हम यहाँ पर पेन को चूज़ करेंगे। जैसे ही आप पेन को चूज़ करेंगे, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ गया। आपको किस कलर का जो है रखना है, कलर किस तरह का रखना है। मैंने ब्लैक रखा हुआ है। आप जैसे ही इसको इस तरह से करेंगे, आप डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यस का बना दिया है, जैसे कि ये मैंने चूज़ कर लिया है कि ये हेल्दी है। एप्पल भी हेल्दी होता है। यहाँ पर राइट का साइन बना देता हूँ, यहाँ पर भी राइट का साइन बना देता हूँ। आइसक्रीम हेल्दी नहीं होती क्योंकि इससे जुकाम हो सकता है। पिज़्ज़ा भी हेल्दी नहीं होता क्योंकि फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है। और फ्रेंच फ्राइज भी हेल्दी नहीं होते क्योंकि इनमें ज़्यादा तेल होता है। और डोनट भी इस हेल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह हम इधर देखेंगे कि यहाँ पर चूज़ हेल्दी, तो यहाँ पर टाइप करने वाली चीज़ें आ गई। मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपको टाइप करना है तो आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम जो है किसी चीज़ को यहाँ पे टाइप करने वाला ऑप्शन देखते हैं कोई। हाँ, जैसे कि हेल्दी। अब मैं इसको आपको जो है डिलीट करके करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इसे चूज़ करूँगा। ऐसे ये चूज़ नहीं हो रहा क्योंकि मैं पेन सेलेक्ट कर रखा है। मुझे टी पर जाना होगा। टी पर जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, ये जो है हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं टैप करूँगा, यहाँ पर हेल्दी जो सेलेक्ट हो गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से आपको लिख के बताता हूँ किस तरह से हम हेल्दी लिख सकते हैं। आपको पेन वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर, ये ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर टी के बगल में आपको ये पेन वाला आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर टैप करना है। सॉरी, आपको पेन वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको टी पर क्लिक करना है। आप जैसे टी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टी का करना है, ये हाईलाइट हो गया यानी ये सिलेक्ट है। अब आपको जहाँ पर भी लिखना है वहाँ पर एक बार टैप करना है। मैंने यहाँ पर टैप करा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेल्दी। अब यहाँ पर हेल्दी लिख दिया है। अब मुझे इसको पोजिशन करना होगा। मैं इसको दबाए रखूँगा और सही जगह पर जाकर रख दूँगा। मैं दोबारा से कोशिश करूँगा और मैंने सही जगह पर जाकर रख दिया है। इसके साथ ही आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं,
ये सभी 25 है, आप जितना चाहे बड़े छोटे कर सकते हैं। इसी तरह से आप कहीं पर भी कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं और उसको होल्ड करके आप कहीं पर भी पहुँचा सकते हैं। इस तरह से जैसे अभी लाइनें दिख रही हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी चीज़, जैसे गाय मिल्क प्रोड्यूस करती है, बी यानी मतलब कि हनी प्रोड्यूस करती है, चिकन जो है एग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। इस तरह की लाइन बनाने के लिए आपको पेंसिल के आइकॉन पर जाना होगा, पेन के आइकॉन पर जाना होगा। अब यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी तीर बना सकते हैं, इस तरह से इशारा कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या करती है। इस तरह से आप PDF को रेडी कर सकते हैं। जैसे आपकी PDF रेडी हो जाती है, आपको करना क्या है, आप पूरी तरह श्योर हैं कि आपकी PDF तैयार हो गई है, अब आपको इसको अन्य PDF में कन्वर्ट करना है या आपको शेप करना है। तो आपको यहाँ पर जो शेयरिंग का ऑप्शन है, इस तरह का आइकॉन जैसे वर्कशीट ऑफ, इसके बगल में सर्च बना हुआ है, इसके बगल में पेन बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो शेयर का ऑप्शन है, आपको शेयर पर जाना है। यहाँ पर प्रिंट आप देख सकते हैं, प्रिंट लिखा हुआ है। इसके साथ में आपको और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम बना हुआ है, ये शेयरिंग ऐप्स हैं जिसके माध्यम से अपने दोस्तों को आप ये चीज़ भेज सकते हैं, अपने टीचर्स को ये PDF फाइल भेज सकते हैं। आपको प्रिंट पर जाना है, प्रिंट पर आप जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर उस नाम को डाल देना चाहिए जिससे कि आप ये पता कर सके कि आपने इसमें जो काम किया था वही फाइल है, यानी एडिटेड। आप इस पर टाइप कर सकते हैं कंप्लीटेड, आप इसे कंप्लीटेड कर सकते हैं, इसका रीनेम डाल सकते हैं जिससे कि ये पता चल जाता है कि हाँ ये कंप्लीट हो गई है। जैसे ये आप प्रिंट पर, यहाँ पर रेड कलर में जो प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला प्रिंट आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे, यहाँ पर PDF, ये जो PDF लिखा है, ऊपर जो PDF लिखा है उसको बोलते हैं सेव एज PDF लिखा है, कॉपीज़ 1 पेज साइज लेटर। यहाँ पर ये जो आइकॉन बना हुआ है, ये वाला आइकॉन, यहाँ से आप PDF फाइल में इसको सेव कर सकते हैं। ओके, आप जैसे ही सेव करेंगे आपकी PDF फाइल सेव हो जाएगी, और आप जैसे ही होम स्क्रीन पर आएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपको यहाँ पर PDF सीट ये कंप्लीटेड जो कि मैंने पहले ही सेव कर रखी है, ये देखने को मिलेगी। और आप अब की बार आपको राइट और एडिट PDF में नहीं जाना है, इस ऐप्स में नहीं खोलना है, बल्कि आपके मोबाइल में जो भी PDF राइडर होता है उसमें जाना है, जैसे ड्राइव PDF व्यूअर, ये एंड्रॉयड की तरफ से आता है, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे, आपको टैप करना है, सॉरी ये गलत, ये वाली फाइल को हम ओपन करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, ये आपकी PDF खुल गई है, और ये वो है जिसे आपने एडिट करा था। मैं आपको एक और फाइल दिखाना चाहता हूँ जो कंप्लीटेड नहीं थी, जैसे कि ये वाली, ये भी कंप्लीट है, देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से एडिट करना है, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा इस वीडियो को, या वे अपने स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं। एक्चुअली आपको जब ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो आप, अगर आपका जो बेबी है वो छोटा है और सिर्फ आपको बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप उससे पूछ पूछ के आप खुद से ये काम करिएगा, ताकि ये जो टैक्स वगैरह लिखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ी समझदारी की आवश्यकता होती है, वो शायद वे भी इतना ज़्यादा ना कर सकें, इसलिए आप इस तरह से अपने PDF को भरकर अपने बेबी के टीचर के पास भेज सकते हैं, जैसे कि उसे अच्छे ग्रेड प्राप्त हो और आपका बेबी जीवन में बहुत तरक्की करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हासिल करे, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं भी ये कामना करता हूँ कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सैमसंग डेप्थ को, और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आगे आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी मेरे चैनल से, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ी रहेगा। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने PDF को एडिट करा है, और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। तीर इस तरह से बना सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं,
और भी कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जब उन बटनों को एडिट करने वाले बटन को आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल पर आते रहिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।